ओम शांति। क्या आपने 18 फरवरी 2021 की साकार मुरली को पढ़ा है? उसमें बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य थे कि तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएगा तो उनको भयंकर साक्षात्कार होगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे, जो पक्के पक्के बच्चे हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को ये क्यों कहा था। आज का अनुभव बाबा के इन्हीं महावाक्यों के आधार पर है। एक दिन अचल दीदी और चंद्रमणि दादी जी पंजाब के हर गोविंदपुर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में नुमा शाम के समय ज्वालामुखी योग में बैठी हुई थी। पूरा सेंटर खाली था, केवल अचल दीदी और चंद्रमणि दादी जी ही सेंटर में मौजूद थी और दोनों ही ज्वालामुखी योग की स्टेज पर थी। उसी समय एक घटना घटी। अचानक अचल दीदी और चंद्रमणि दादी जी ने बहुत तेज आवाज सुनी। आवाज इतनी तेज थी मानो पास में ही कहीं बिजली गिर गई हो या बादल फट गए हो। बहुत ही जोरों की आवाज थी। तेज आवाज के कारण दोनों का ही योग बीच में टूट गया और जोरों की आवाज एक बार नहीं बल्कि 3 बार आई। अचल दीदी और चंद्रमणि दादी जी बहुत घबरा गईं और दोनों ही बाबा के कमरे से बाहर निकलकर सेंटर के मेन गेट के पास पहुंच गईं। उन्होंने जो दृश्य वहां देखा वो देखने लायक था। हुआ यूं कि 3 लोग सेंटर के गेट पर औंधे मुंह पड़े हुए थे और बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। दोनों ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखते ही वो तीनों जोर जोर से चीखने लगे, हे देवी, हमें माफ कर दो, कृपया हमें माफ कर दो। हम आज ये स्वीकार करते हैं कि आप दोनों साक्षात देवियां हो, हमें माफ कर दो देवी, हमें माफ कर दो, हम फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। और वो तीनों उन दोनों ब्रह्मा कुमारियों के पैरों में गिरकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। यह सब कुछ देखकर अचल दीदी और चंद्रमणि दादी जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ सेंटर के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं और आप हमें देवी क्यों बोल रहे हैं? तभी उन लोगों ने बताया कि वो तीनों वहाँ बहुत बुरी नीयत से आए थे। उन्हें पता लगा था कि इस सेंटर में सुंदर लड़कियाँ अकेली रहती हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। इसी बुरी नीयत से वे वहाँ आए थे। लेकिन जैसे ही अपने बुरे इरादों के साथ उन तीनों ने सेंटर में अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि अचानक उन्हें बहुत तेज करंट लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर दोनों बहनों से कहा, आप योग में बैठे थे और हम बहुत बुरे विचार से यहाँ आए थे। हम जैसे ही अंदर पैर रखते थे धड़ाम से गिरते थे। हम 3 बार जोरों से गिरे, हमें बहुत जोर का करंट लगा। करंट इतना पावरफुल था कि वो तीनों एक के बाद एक हवा में तेज उछल गए और पूरी ताकत से सेंटर के गेट पर टकराए और जमीन पर गिर गए। आज हम ये मान गए कि आप लोग देवियां हो, हमें माफ कर दो, आप लोग सचमुच देवियां हो। उस घटना के बाद वो तीनों वहां से भाग गए। तो देखा आपने, योग में कितनी शक्ति है। यदि हम बाबा की याद में होते हैं तो बाबा कैसे हमारी रक्षा स्वयं करते हैं। आज संगम युग के इस समय में चारों ओर कितना पाप छाया हुआ है, चोरी, गुंडागर्दी, खून खराबा, हर तरफ दुख और दर्द ही देखने को मिल रहा है। बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम नीलाम हो रही है, तो ऐसे में हर बहन को अपनी प्योरिटी इतनी बढ़ानी होगी कि बाबा खुद अपना धाम छोड़कर हमारी रक्षा के लिए आने पर बंधायमान हो जाए। तो चलिए बाबा के इस सत्य ज्ञान को सब तक पहुंचाएं, सभी माताओं बहनों को उस सत्य पिता शिव बाबा का परिचय दें जो उनकी रक्षा करने स्वयं आएंगे। ऐसा भोलानाथ का परिचय सबको मिलना ही चाहिए। ज्ञान का मार्ग सभी के लिए खुला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ें। अगर आप खुद अपना अनुभव सबको सुनाना चाहते हैं तो कृपया अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप करें। हम यूं ही बाबा के प्यार और चमत्कार से भरे सत्य अनुभव आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक बाबा की याद प्यार में रहें और सभी आत्माओं को बाबा का परिचय दें। ओम शांति।